जय हिंद दोस्तों। दोस्तों डूब कर मेहनत करो आज अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। दोस्तों ये आज ये टॉपिक है कि मैंने पिछली बार भी एक्सरसाइज पर वीडियो बनाया है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उसमें मैंने क्या बताया है। उसमें मैंने सिर्फ कंसेप्ट, उन्होंने कहा है कि आपने कंसेप्ट बताइए लेकिन कैसे करें, हम बिगिनर्स हैं, या फिर ऐसे मैसेजेस है कि सर बॉडी बनानी है या फिर बहुत पतला हो, तो ठीक से समझो। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मोस्ट ऑफ द डाइट के लिए, आपको साइज़ गेन करने के लिए क्या करना है, मतलब साइज़ मतलब वज़न बढ़ाना और मसल साइज़ गेन करना, ये दोनों अलग बातें हैं, दोनों को ज़रा ठीक से समझिए। वज़न आप खा के बढ़ा सकते हो, मतलब आप सिर्फ वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ भी खाओ, उसका लिमिट नहीं है, कैलोरीज का काउंट नहीं होता, लेकिन उसके साथ फैट भी बढ़ेगा और आपको सिर्फ वही चाहिए तो आप वो बढ़ा सकते हो, बहुत इजी है। मैं कहूँगा कि आप 8-10 किलो भी बढ़ा सकते हो एक मंथ के अंदर। लेकिन जब आप साइज़ बढ़ाने की बात होती है तो साइज़ बढ़ाने के लिए आपको, मतलब मसल साइज़ बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं मसल साइज़ के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि मसल साइज़ के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सबको मतलब दो कम समय में चाहिए। तो ठीक है, कम समय में अगर आप बहुत पतले हो तो उससे भी हम कितना अच्छा ले सकते हैं वो मैं आज बताऊंगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खा के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैसे बढ़ा सके, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आज मसल साइज़ के बारे में नहीं, सिर्फ वेट गेन के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ जिन लोगों को वेट गेन करना है उनके लिए है। वेट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा। आप हफ्ते में दो बार बाहर का खा सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हर रोज़ बाहर खाने से अच्छा है कि कोई तो 4 दिन छोड़ो जहाँ पे आप अच्छे से घर का खाना खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आप घर के अंदर का खाना खाओ। अगर कितना खाना है, अभी अगर मसल गेनिंग की बात होती तो उसमें कुछ कैलोरीज का काउंट होता, तो उस हिसाब से हम बात करते जो कि एक नेचुरल या फिर जो भी एक लीगल तरीके से होता और एक हर चीज़ वहाँ पर काउंट होके की जाती। लेकिन आज वैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ जो बहुत पतले हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप देखें, आपको वेट बढ़ाना है या फिर जिनको वेट बढ़ाना है, बहुत से लोग आ जाते हैं कि सर मतलब सिर्फ साइज़ दिखना चाहिए ये, तो उनका साइज़ का मीनिंग मैं समझ नहीं पाया था। उनके हिसाब से साइज़ मीनिंग ना कि मसल, सिर्फ जो शरीर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होने से, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होने से जो पानी ब्लोटेड हो जाता है और एक दिखावा जो हो जाता है बॉडी का, वॉल्यूम गेन हो जाता है, तो उसे वो लोग साइज़ मानते हैं। तो उसी हिसाब से आज उनके लिए मैं डाइट दूंगा कि वो अच्छे से कैसे ले। आप अच्छे से लेने के लिए आप ये करें, आप रोटी जो कि ज्वारी की हो, बाजरे की हो या फिर चपाती बोलते हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। वाइट राइस ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्राउन ब्रेड, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये सब कार्ब वाली चीज़ें होती है। आप अगर वर्कआउट भी करते हो तो वाइट राइस और वाइट पोटैटो ये वर्कआउट के बाद लें, क्वांटिटी हाई रखें। और जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो दिन में आप कम से कम 6 बार खाना खाएं, 5 या 6 बार आप खाना खाएं। ओट्स का यूज़ करें जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, बहुत अच्छा है, स्लो डाइजेस्ट कार्ब है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसी हिसाब से आगे दलिया है। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आपके बॉडी में कम से कम, अगर 80 केजी का बंदा होता है तो उसको कम से कम 280 या 300 तक कार्ब इंटेक ले लो, वेट बढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्ब खाओगे उसका एनर्जी के लिए यूज़ उतना होगा नहीं, वो सीधा कन्वर्ट फिर फैट में होगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी ब्लोटेड होगी, आपको वॉल्यूम फील होगा, आपको लगेगा कि साइज़ बड़ा है, तो वो दिखेगा भी बड़ा हुआ साइज़। उसी के साथ आप मेरी ये बात सुने कि आप प्रोटीन का इंटेक भी कम से कम 150 या 200 ग्राम तक तो कम से कम रखें। उसके लिए आप चिकन ले लें, उसके लिए आप एग्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो, ये सब चीज़ें आप उसमें खा सकते हो। आप उसमें बीन्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, दही का सेवन करें, 100-150 ग्राम तक का दही ले सकते हो आप, 0.5 लीटर तक ले तो मिल्क, तो मैं ये कहूँगा कि 200 ml, 250 ml तक आप मिल्क ले सकते हो। दो बनाना एक दिन के लिए ठीक है, आप बनाना भी ले सकते हो, आप खजूर ले सकते हो, आप उसी के साथ साथ हेल्दी फैट्स के लिए आप बादाम ले सकते हो, बादाम आप वहाँ पे खाए। दही का सेवन अच्छा होता है, थोड़ा सा घी 2 या 3 स्पून घी ले लो, जब भी राइस लेते हो, खिचड़ी या फिर कुछ भी बनाते हो तो उसमें 2 या 3 चम्मच घी डाल देना। ऑयली बंद कर दो, ज़्यादा ऑयली मत खाओ, कम ऑयली खाओ। बाहर का जंक फूड बंद कर दो, स्ट्रीट फूड बंद कर दो,
शुगर वाले फूड बंद कर दो। शुगर से होता ही है कि आप शुगर वाला फूड खाते हो तो बॉडी को स्टार्च मिल जाता है, एक एनर्जी मिल जाता है जिससे हमें भूख फील नहीं होती। तो वो बंदा दिन 2-4-6 घंटे तक भी एम्प्टी स्टमक रह सकता है क्योंकि उसको भूख यहाँ पे फील होती नहीं है। सबसे पहले बात, साइज गेनिंग के लिए भूख लगना और साइज गेनिंग का कोई भी संबंध नहीं है। आपको जबरन खाना पड़ता है तब जाके साइज बढ़ती है। सिंपल सी बात है, शुगर को छोड़ दो तो क्या होगा, एक एक्सेसिव कैलोरीज का अमाउंट बॉडी में नहीं जाएगा। तो आप उसके जगह जब भी भूख लगेगी तो आप ये सब खाओगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। हर 3 घंटे बाद आपको खाना खाना है, और 2.5 घंटे बाद आप, कम से कम 2.5 घंटे बाद आप खाना खाना है आपको, सब ये चीज़ें खानी है। एक समय पर आप 60-70 ग्राम कार्ब्स ले लो, 20-25 ग्राम्स प्रोटीन ले लो, 10 ग्राम्स तक फैट ले लो, आराम से आपकी नीड पूरी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप उसके लिए वेट गेनर या मास गेनर, कुछ भी हो, एक ही है, उसे आप ऐड कर दो। और आप उसे ऐड कर दो वर्कआउट के सुबह उठते ही पहले, सबसे पहले 150 ml दूध के साथ उसे लेना, एक स्कूप। उसके बाद वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट इमीडिएटली एक स्कूप लेना पानी के साथ। और उसके बाद रात को सोने से पहले 150 ml दूध के साथ 10 बादाम क्रश करके उसमें डालो, उसके अंदर 2 स्पून हनी डाल दो, उसके अंदर 1 स्कूप गेनर डाल दो दूध के साथ, और उसे चिल्ड मिल्क में, ठंडे दूध में उसे पी लो और सो जाओ। धीरे धीरे एक 15-20 दिन में आपका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से अच्छे आप कैसे कर सकते हो ये है, नहीं तो बाकी आप कुछ भी खा लो या वड़ा पाव 10 खा लो दिन में, ये तो फिर गलत बात हुई। तो वैसे साइज़ बढ़ाने से मतलब क्या है, आप तो पतले अच्छे फिर। तो अच्छे से साइज़ बढ़ाने के लिए, अच्छे से वेट बढ़ाने के लिए आपको ये सारी टिप्स फॉलो करो, फीडबैक दो, इंस्टा पे फॉलो करो सुमित वराट फिटनेस को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे सजेस्ट करो कि आपको कैसे और टॉपिक चाहिए, क्या आपको करना है। जैसे कि बाइसेप्स की साइज़ पर आया था उस पर हमने बना दिया है, लेग्स के ग्रो पर हम बनाएंगे अलग अलग वर्कआउट, और हम फैट बर्नर वर्कआउट फिर से एक नई सीरीज़ लाने वाले, उसमें हम एक नया पार्ट लाने वाले, और उसके उसी के साथ साथ होम क्वारंटाइन में भी एक दो हम पार्ट बनाने वाले वर्कआउट के, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। जय हिंद।